शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आधा आधा। जियो जियो जियो। नमस्ते लाला। आधा आधा। आइए। आधा आधा। मेरे आलम पना आइए आइए। हुजूर बैठिए। लाला हम रंडियों के नसीब में घर और गृहस्थी कहाँ, पर तेरी, सिर्फ तेरी मेहरबानी की वजह से यहाँ की हर लड़की को अपना घर मिलेगा। अल्लाह तुझे सलामत रखे। लाला, नादान तू किस चुड़ैल के बिस्तर पे होली खेल रहा है? चल उठ यहाँ से, उठ। थोड़ा बंद कर, तेरा बहुत सुन चुकी। लाला कल भी मेरा था और आज भी मेरा है। हाँ लाला, तू उठता कि नहीं? चल उठ यहाँ से। इस लफाड़े की बिस्तर से तो नहीं उठाना तो यहाँ से जाऊंगी और जा देती हूँ, कह देती हूँ मैं तेरे को। ठीक है, जा रही हूँ मैं। कुत्ता साला। लाला, अरे बेगम, अरे बेगम सुनो तो। चिनार। Finish it fast. क्या है इंस्पेक्टर चाचा, क्यों इतना पीता है? कलास एनकाउंटर। इतना बड़ा अफसर है, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहा है? चल दे। तेरे को क्या मालूम रज्जो, ये जिंदगी और उबरदी ने मेरे को इतना नचाया है। इंस्पेक्टर साळुंके, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एनकाउंटर करने गया था। मालूम पड़ा बहुत बाद में वो कोई टेररिस्ट नहीं थे, किसी गरीब माँ के मुर्गियां बेचने वाले सीधे सारे बच्चे थे। लेकिन मैंने तो ठोक दिया ना। अब गया, उनकी माँ की फूट फूट कर रोने की आवाज, वो सरदर चेहरा, छाती पीट पीट कर लाशों को गले लगाना, सब सब इधर कौटी में घुस गया है परमानेंट। तब से कहीं मन नहीं लगता, ना दिल है इस दुनिया में, न वर्दी में, बस ये कोटा ही मेरा मंदिर है। टम, चले बोतल देना है रजो, बोतल दे, बोतल देना, तू छोड़ ना बोतल है रजो, तू छोड़। स्टूडेंट्स, आगरे के लाल किले में मीना बाजार हुआ करता था, शाहजहां को मुमताज वहीं मीना बाजार में मिली थी। चंदू, चंदू गौड़ बोले। जी सर। शाहजहां को मुमताज कहां मिली थी? नागपड़े में। सर, मेरा पेट खराब है। चंदू तू इधर। चलना उधर अभी। कली कली में है मस्तियां, उसकी अखियों का जो खुमार है। गया तू पूरा काम से। जा अपने दोस्तों को लेके आ, जा। हे, चलना, हे लाके चलना वहां पे। चल चल चलते। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। क्या दिया? ये बाजार, ये वेश्याएं, ये चंडू खाने। है कोई भारत माँ का सपूत जो छाती चौड़ी करके आगे आए किसी धंधे वाली को इस नर्क के दलदल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल सके? कहाँ वो क्रांतिकारी युवक जो एक जमाने में
इतिहास का चक्र घुमा देते थे। है कोई यहां पर जो आगे आके वेश्या के साथ अग्नि के साथ फेरे ले सके? है कोई जो इस धनुष को उठाए? है कोई? हुई माँ, आ गई सब टोली। ए रज्जू बेटी, कहाँ जा रहे? तू कहाँ जा रहे? रज्जू बेटी, तेरा मर्द आया रे, जा जा जा। चलो अपनी अपनी ढूंढ लो, चलो। आज अपना दिल बेगम पे आया। चप्पल से मारती मैं तेरे को। आजा मेरे फड़फड़ पंछी। अरे नजदीक आ। परसों आपका बर्थडे है। बर्थडे कह ले या डेथ डे, 13 तारीख को मेरी नत उतारी थी हरामियों ने। तो गहने तो रोज उतारती हैं औरतें। तुझे तो इस पिंजरे में होना चाहिए था मिट्ठू। नथ उतारना बोले तो औरत के जिस्म का पहली बार नीलाम होना। सचमुच कब होता है आपका बर्थडे? क्यों नहीं नहीं, मैं फूल और गिफ्ट भेजूंगा आपके लिए। बड़ा कमीना है रे तू, जन्मदिन की बात करके आज तूने मरी हुई रज्जू को जगा दिया। जगा दिया उस कल को जो मेरे आज के अंधेरे में कहीं खो गया है। वो मेरा गांव, वो वादियाँ, वो हवाएं, वो बचपन। पता है मैं आज़ाद परिंदे की तरह उड़ती थी, नाचती थी, गाती थी, इस बात से अनजान कि मेरे अपने ही मेरे पर काट देंगे। एक दिन अचानक दीदी और चीचा गांव आए और मुझे अपने साथ मुंबई ले आए। मेरी बहन को अपने सपनों का घर जो खरीदना था, उसने मुझे कुछ 1000 रुपयों में बेगम को बेच दिया। और जब वो मेरा सौदा करके हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रही थी, उसने कहा 4 दिन में लौट आएगी। मुझे लगा कि वो झूठ कह रही है। मैं फिर भी नहीं रोई, शायद इसलिए कि मेरी बहन को उसके सपनों का घर मिल रहा था। मगर अब सोचती हूँ मेरे सपनों का क्या? ये कैसा दस्तूर है, यहाँ लोग अपना घर बनाने के लिए दूसरों का आशियाना उजाड़ देते हैं। खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये क्या है? खाजा। हाय रे मेरे राजा। नहीं नहीं। अरे खा चिकने। क्या वेश्याओं को अपना घर बसाने का अधिकार है या नहीं, बोलिए? है कोई जवाब आप लोगों के पास? इसका जवाब दीजिए, बोलिए बोलिए, बताइए। कुत्ता, रंडियों की शादी की बात करते हैं, झूठा कहीं का। क्यों री? शादी मतलब हस्बैंड नाम की एक ही भड़वे की जिंदगी भर पूजा करना। मंगलसूत्र नाम का फंदा गले में डालो और जिंदगी भर उसके गुलाम बन जाओ और रोज रात को फोकड़े में उसका बिस्तर गरम करो। याद है जो मर्द अपनी बीवी के पास देखते भी नहीं ना, यहाँ नोट लेके हमारे लौंडियों के पीछे लाइन लगाती। तू मेरे को समझाती है? कुत्ता वो देख।